Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP statistical assisting. So हमारे exam date है 16-17 Feb. I hope आप लोगों की preparation चल रही होगी अच्छी. तो अभी फिलहाल मैं आपकी test series prepare कर रही हूँ आपके exam के लिए, क्योंकि कोई आपके पास stats की ऐसे मतलब जिसमें आपके around 300-400 questions हो, मैं try कर रही हूँ 300-400 questions का एक prepare करूँ test series उन बच्चों के लिए जिनको कहीं मिल नहीं पा रही है प्रैक्टिस के लिए, या फिर जिन्होंने भी रीसेंट में प्रैक्टिस स्टार्ट करी है. तो उसमें इजी भी होंगे, एडवांस भी होंगे, सब मिक्स है. ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको बेसिक वीडियोस सारी चेक करनी है. मेरे पुरानी जो स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं वो सारे हैं थोड़े बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे चलोगे तो आपको थोड़े एडवांस टॉपिक्स मिलेंगे. ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम वो फुल नोट्स हैं या फिर क्या हैं, तो उसमें क्या है, आपके जो एडवांस टॉपिक थे गेम थ्योरी, LLP, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अनोवा और आपका टाइम सीरीज़, क्योंकि अभी हमने टाइम सीरीज़ नहीं पढ़ा है. अभी मैंने आपको प्रीवियस अनोवा की क्लास कराई है, जिसमें ना वो क्वेश्चन है वन वे अनोवा. अनोवा के तीन टाइप होते हैं बेसिकली, वन वे, टू वे, थ्री वे. थ्री वे हम प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते हैं, हम वन वे और टू वे पढ़ते हैं. तो जो मैंने आपको वो टेबल कराई है, दैट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी ने वो वीडियो वॉच नहीं करी, अभी देखी नहीं है, तो जाकर देखे. जो इससे प्रीवियस एक वीडियो होगी वो अनोवा की है, तो वो जो टेबल आती है वो डायरेक्ट ऐसी आपके क्वेश्चन में पूछ ली जाती है. कोई एक उसका कंपोनेंट मिसिंग होगा, या तो आपको क्रॉस करके वो वैल्यू निकालनी होती है. मैं अभी और उसके क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें मैं टू वे का कराऊंगी. ऐसी ही टू वे की भी एक टेबल आती है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो हम अब आपकी, अभी क्या है, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों की, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, तो अभी मेरी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं जा रही हूँ वहीं पर. इस वजह से मैंने अभी आपकी वो वाली वीडियो अपलोड नहीं करी है. तो मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं आज शाम में उसे अपलोड कर दूँगी या फिर कल मॉर्निंग में. ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ आई होप आप लोगों को मैं एक दो दिन में प्रोवाइड करा दूँगी. तो आपने जिसने नोट्स ख़रीदे हैं, तो ये एक मैंने ऑफ़र रखा है कि जिन लोगों ने नोट्स ख़रीदे हैं, वैसे तो मैं आपके टेस्ट सीरीज़ के चार्जेस रखूँगी 100. ठीक है, और जिन्होंने नोट्स ख़रीद रखे हैं तो उन बच्चों के लिए क्या है, वो हाफ़ में होगा, 50 में, ताकि उनके नोट्स, उनके टाइम, उनकी टेस्ट सीरीज़ दोनों 150 में हो जाए. ठीक है, इसलिए मैंने पहले रखा भी था कि आपके 100-150 में नोट्स के चार्जेस करूँगी. तो मैं उन लोगों को बाद में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा देती, तो अब उन्होंने 100 दे दिए तो अपना बैलेंस दे देंगे. बाकी जिसको नए खरीद रहे होंगे उनके 100 हैं. अगर नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो 150, खाली नोट्स 100 और खाली टेस्ट सीरीज़ 100. ठीक है, तो ये था बेसिक क्राइटेरिया कि कैसे आपको वो खरीदने हैं. वो खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मेल पे इसके रिगार्डिंग ही हमें नोट्स परचेज करने हैं, उसके लिए मैसेज करना होगा hrshivani01@gmail.com. ठीक है, ये बात तो हो गई नोट्स की. अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि मैम क्या सारा टॉपिक, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि मैम इन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से कितने परसेंट मार्क्स आ सकते हैं, क्या हो सकता है. तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2015 का देखें, तो उसमें से बेसिक कंसेप्ट्स भर भर कर आए थे. तो ये मान लीजिए अगर बेसिक आ गया तो पूरा पेपर ही अटैम्प्ट हो जाएगा. मगर लेकिन अगर एडवांस आ गया तो उसके लिए आपको एडवांस वीडियोज, नोट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बेसिक तो हर कोई कर देगा, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको अगर पूरा पढ़ना है, कोई मेरा कोर्स नहीं है, एक का मैसेज भी आया हुआ था कि मैम आपका कोर्स परचेज करना है, तो कोर्स नहीं है. वीडियोस में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करती हूँ. अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, मैंने देखा है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हीं की वीडियोस अब जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि आप वो टॉपिक आपके कवर हो जाए. ठीक है, तो अब एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ बेसिक अच्छे से कर लें. ये नहीं कई बार हम एडवांस के चक्कर में बेसिक छोड़ देते हैं. तो बेसिक में आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, हर किसी की मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी आपस में रिलेशन. ठीक है, फिर उसके बाद आपका अनोवा, काई स्क्वायर, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले कंसेप्ट एक अच्छे आ गए, बहुत ईजी है पढ़ने के लिए, कुछ इनमें टफ नहीं है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही आ जाते हैं. ठीक है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन, बायनॉमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक और बार ब्रीफली कराऊंगी, क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं थोड़े अलग टाइप के, मतलब बेसिक नॉलेज ठीक है, मगर कुछ होता है ट्रिकी पूछ लेते हैं, वो सिंपल कंसेप्ट में से भी थोड़ा टफ बना देते हैं, उसको लैंग्वेज थोड़ी ऐसी बना देते हैं ताकि हम उसे समझ नहीं पाते हैं. चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, बस उनको उन्हें पूछने का तरीका चेंज हो जाता है. तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें भी अच्छे से आनी चाहिए, एडवांस पढ़ो, प्रैक्टिस करो,
ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके। प्रैक्टिस के लिए आपका पेपर वन, बच्चे पूछे तो मैम पेपर वन के लिए बताइए, पेपर वन आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेपर वन के कंटेंट बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर वन में क्या है, DSSP ने जितने भी पेपर वन किसी भी एग्ज़ाम का हो, PRT, TGT, PGT किसी का भी हो, उन्हें प्रिपेयर करो, वही रिपीट होते हैं, रिपीट भी नहीं होते तो प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि इस तरीके का DSSSB क्वेश्चन पूछता है जनरल पेपर में। करंट अफेयर्स पढ़ें, इंग्लिश हिंदी उसमें बिल्कुल ना घबराएं, वो बहुत ईजी है, आराम से आपकी हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स रीजनिंग में होती है, थोड़ी GS में हो जाता है, बाकी आपका पेपर टू स्टैटिस्टिक तो है ही वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, शाम में मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलती हूँ या फिर कल। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।